आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। स्वागत है आपका झारखंड न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूँ रहमतुल्ला अंसारी। झारखंड में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने के बाद जिस तरह लोहरदगा राजनीति के लिए चर्चा और परिचर्चा का केंद्र बना हुआ है, इस राजनीतिक कड़ी में आज एक और नया आयाम जुड़ गया है। जी हाँ, AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी लोहरदगा से उतार दिया है। लोहरदगा से अर्जुन टोप्पो होंगे MIM के प्रत्याशी। आज वो विधिवत रूप से लोहरदगा अनुमंडल कार्यालय से नामांकन पत्र भी खरीद लिए हैं। आज पर्चा लिए, इसके लिए हम लोग MIM ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम लीग पार्टी से हम लोग टिकट मिल चुका है और उसी के बैनर तले हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कैसा सर समर्थन मिल रहा है? अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्षेत्र में दौरा किया और लोहरदगा वासी एक बदलाव चाह रहे हैं और उस बदलाव के तहत यहाँ के सभी तबके के लोगों का बहुत ही अधिक समर्थन मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे आदिवासी समाज से हो, चाहे पिछड़े समाज से हो, चाहे और अन्य समाज से हो। सभी का कहना है कि असद भाई एक नेक ही व्यक्ति है जो संविधान के दायरे में रखकर इस आम जनता की बातों को रखते हैं, इसलिए उनको एक मौका देना चाहिए। और झारखंड में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, झारखंड में एक लोहरदगा का एक ऐसा सीट है जो कि यहाँ से प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं। MIM यहाँ से इतिहास रचने जा रहे हैं। आगे और लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि लोहरदगा एक आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट होने के नाते यहाँ से सभी को मौका मिला है और तमाम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह संविधान में हमारे MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से सदन में चर्चा को रखते हैं सभी की बातों को, उसी तरह से हम लोगों भी रखने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम सभी जनताओं से अपील करना चाहेंगे कि एक बार लोहरदगा सीट से MIM को सभी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाएं।